प्रदेश स्तरीय जन आक्रोश रैली का रायपुर में हुआ आयोजन। यंबस सहित दर्जनों SC ST OBC और अल्पसंख्यक संगठन के पदाधिकारी संयुक्त रूप से हुए शामिल। यंबस के नेशनल ऑर्गेनाइजर विजय मानकर ने कहा, अब छत्तीसगढ़ की सभी समस्याओं का समाधान आम्बेडकरवाद से ही संभव। ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ एवं भीम आर्मी छत्तीसगढ़ सहित दर्जन भर संगठनों के माध्यम से संयुक्त जन आक्रोश महारैली का आयोजन रविवार को रायपुर के बूढ़ा तालाब मैदान में संपन्न हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि एवं मार्गदर्शक के तौर पर एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर विजय मानकर शामिल हुए, जबकि प्रमुख अतिथियों के तौर पर BM कामले, राष्ट्रीय प्रचारक बामसेक, सोनी सोढ़ी आदिवासी नेता दंतेवाड़ा एवं डॉक्टर प्रदीप कुमार MD समन्वयक नेशनल बहुजन अलायंस, सैयद मोहम्मद अशरफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम, अधिवक्ता साकिर कुरैशी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, साहबानो मैडम राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ बामसेप, अजय चौहान प्रांतीय संयोजक गाड़ा समाज, LL कोसले अध्यक्ष सतनामी समाज छत्तीसगढ़, अर्जुन सिंह ठाकुर ऑर्गेनाइजर एम्बस रीजनल संघ मध्य भारत, संतोष साहू OBC जागृति मोर्चा, KK पिंडा आदिवासी हलबा समाज, राजू भारतवासी सफाई कामगार आंदोलन सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम से पूर्व रायपुर में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से रैली निकाली गई। यह रैली दोपहर 2 बजे बूढ़ा तालाब मैदान पहुंची, जहां अतिथियों के स्वागत के बाद जन आक्रोश रैली के माध्यम से भाजपा के शासनकाल में SC ST OBC एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों एवं अन्य सामाजिक मुद्दों पर वक्ताओं ने विचार रखे। बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर विजय मानकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी समस्याओं का समाधान केवल अम्बेडकरिज्म की नीतियों से ही संभव है। ऐसे में अब अम्बेडकरवाद को ऑपरेट करते हुए पूरे प्रदेश में आदिवासियों अम्बेडकराइट सरकार बनाए। उन्होंने भीमा कोरेगांव की घटना के अलावा एट्रोसिटी के बढ़ते मामले एवं मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ RSS एवं भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ई न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।